हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरपी होम। आज मैं आपके लिए मटन कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये शुरू करते हैं बनाना। ये कुकर को मैंने पहले से चढ़ा दिया, गर्म हो चुका है। अब इसे फुल फ्लेम पर कर लेते हैं ऑयल गर्म होने तक। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप जो चाहें वो अपनी पसंद का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब ये प्याज को इसमें गोल्डन ब्राउन करते हैं। एक प्याज को हम बचा के रख लेते हैं बाद के लिए। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, बीच बीच में चला दीजिए ताकि एक बराबर से हो। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसका पेस्ट बनाना है। एक प्याज जो बचा के रखी थी अब इसे तेल में डालते हैं। तीन तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची का टुकड़ा, एक खड़ी इलायची, ऐसे तोड़ लीजिए। इसका मुंह खोल कर डालते हैं। और काली मिर्च 8 से 10 दाना काली मिर्च का डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। फ्लेम तेज कर लेते हैं। ये देखिए बस, ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। ये अब इसमें मटन डालेंगे। 1/2 kg मटन है, इसमें डालते हैं। चला दीजिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 पेस्ट इसमें डालेंगे। ये 1/2 बचा कर रख लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे और एक छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर इसी में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कलर ख़राब जाएगा। ये 3 चम्मच धनिया पाउडर। ये 100 ग्राम दही। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है अभी से। और ये दही और मटन से पानी रिलीज होगा, अलग से पानी नहीं डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम सीटी लगा देते हैं। बस 2 सीटी आने दीजिए, ज़्यादा नहीं गलाना है। ये मसाला देख लेते हैं जिसका पेस्ट बनाना है। ये 1/2 चम्मच है पोस्ता दाना, इसे खसखस भी कहते हैं। ये जावित्री फूल जिसे मैंने ऐसे चूर कर दिया है हाथ से दबा के। 5 लौंग, 2 सफ़ेद इलायची, 1 बड़ी इलायची का दाना निकाल कर ये रखा हुआ है। और 1 बड़ी इलायची जब प्याज फ्राई कर रहे थे तो उसमें डली हुई है। ये टुकड़ा जायफल का टुकड़ा थोड़ा ही लेना है, ये जायफल से 1/4 हिस्सा या उससे भी कम। 2 इंच का नारियल का टुकड़ा, इसे पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए
अभी और बारीक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। दो सीटी आ चुकी है, अब हम खोलकर देखते हैं मटन कैसा है। थोड़ा सा और अभी नहीं खोलते हैं क्योंकि अंदर देखते हैं। व्यूअर्स दो सीटी आ चुकी है, खोलकर देखते हैं मटन कैसा है। फ्लेम को ऑन करते हैं। ये काफी पानी रिलीज हुआ है, अभी पानी को ड्राई करने के लिए हम फ्लेम को फुल कर लेते हैं और ऐसे चला देते हैं एक बार। तो पानी को ड्राई होने दीजिए, जब तक पानी ड्राई हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स पानी कम हो चुका है, ये देखिए ड्राई हो गया है पानी और ये आधा रह गया। इस तरीके से जब इसकी थिकनेस हो जाए तो ये मसाला लहसुन अदरक का पेस्ट जो आधा बचा के मैंने पहले ही रख लिया था इसे ऐड करते हैं। ये सारा इसमें डाल देते हैं और ये पेस्ट ओनियन पेस्ट और कुछ गरम मसाला ड्राई फ्रूट नारियल वगैरह जो था इसको भी इसी में ऐड करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के छुड़ा लेते हैं, इसे भी ऐड करते हैं, इसे भूनना शुरू करते हैं। अब तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, तेज आंच पर नहीं भूनेंगे। जब तेल हल्का सा ऊपर आना शुरू हो जाए फिर हम डालते हैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल, और आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम रिफाइंड का यूज करते हैं। भूनना शुरू करिए, इसे चलाते रहिए बराबर, लगने ना पाए। देखिए तेल ऊपर आ चुका है फिर भी अभी इसकी खुशबू नहीं आ रही है कि गोश्त भुना हुआ है, और नीचे हल्का लग भी रहा है। इस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे भूनने के लिए। अब इसे फिर से भूनते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और डालते हैं कलर के लिए, ताकि और अच्छा कलर आ जाए। इसे चलाते रहिए, लगने नहीं पाए। इसे भूनने के लिए भी 2 चम्मच पानी फिर से ऐड करते हैं। इसे चलाते रहिए बराबर, लगने नहीं पाए, और इस तरीके से नीचे से ऐसे चलाते रहिए, नहीं तो मसाला चिपक जाएगा। ये देखिए तेल अलग हो चुका है मसाला से, इससे पता चल रहा है कि गोश्त भून चुका है। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं इसमें। पानी ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, चला के देखिए। अभी और पानी चाहिए, और नमक मिर्च का टेस्ट यहाँ पर करेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है मिर्च कम लगती है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखते हैं गोश्त गला है कि नहीं गला है, कितना गला हुआ है। चम्मच से तोड़िए, गल चुका है। अभी 2 सीटी की और जरूरत है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर 2 सीटी और लगाते हैं। 2 सीटी आ चुकी है, 10 मिनट कुकर को रेस्ट देके गैस बाकी ना रहे फिर हम
ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। आराम से निकालिए धीरे धीरे। ये देखिए इस तरीके से निकालिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये मटन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। आप इसी तरीके से बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।